गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत है तुहाडा सब दा एक बार फिर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइल दे विच। किवें हो जी सारे? मैं उम्मीद करदी हां कि सारे वधिया होणगे और सब नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। सो सब दा मोस्ट वेलकम है जी। सो जिन्हां ने लाइक शेयर सबसक्राइब नहीं किया वो मसली अपने चैनल नूं ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब कर लैन, ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दैन। कल जो थोड़े कमेंट्स जो थोड़े रह गए सीगे लैन वाले, वह मैं अज जिहड़ा है तुहानूं शेयर करूँगी। बाकी आपां होर भी काफ़ी मुद्दियां ते गल करांगे। ये जो मैं वीडियो पाई सी टीटी चैट पेन ती डी रिजर्व पोस्ट वेटिंग लिस्ट वाली, वो किसी ने पूछा सीगा एस चंद की साइंस बुक बारे। देखो मार्केट दे विच बहुत ईजीली अवेलेबल एस चंद की बुक, तो पुरानी भी मिल सकती है थोनू। अगर तुम कहने हो तो मैं थोनू जोड़ा है फ्रंट पेज की जी हैगी है एस चंद की जी हैगी मैं फोटो पा सकती हाँ कि जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है जैसे टैलीग्राम और वट्सएप ग्रुप्स के मैं जोड़ा है फ्रंट पेज पा दूँगी। लेकिन एक बार तुम जोड़ा है मैं एक बार फिर कमेंट करके दस सकते हो पारुल शर्मा जी, अगर थोड़ू मिल गई है तो बहुत अच्छी गल है, नहीं तो थोड़ू नाइनथ की बुक लैन की जरूरत नहीं है, तुम टैंथ की लो। नाइनथ के बहुत सारे एम सी क्यूज़ थोड़ू इस ग्रुप्स के मिल जाने हैं। ठीक है, अगे है जो पंजाब अपकमिंग रिक्रूटमेंट पर जी है वीडियो बनाई से वह सलोनी शर्मा जी ने कमेंट किया, आंगनवाड़ी का फुल प्रोसैस की है, फॉर्म किनू सबमिट करवाना है। देखो आंगनवाड़ी का फुल प्रोसैस की है भी तुम्हें जोड़ा है ऑफलाइन ही भरना, ऑनलाइन कोई वैबसाइट पर नहीं भरना। ऑफलाइन भरन वास्ते किसी सुविधा केंद्र या सॉरी सुविधा केंद्र बोल रहे हो तो जो सेंटर भरते नहीं होंगे ऑनलाइन, उन्होंने एक बार तुम पूछ लो भी ये कितने भरना है तो कितने सबमिट करवाना है, क्योंकि ये बारे डिटेल्ड उन्होंने नहीं दसिया। और ये जो फुल प्रोसैस है वो यह है कि तुम एक बार अपना फॉर्म सबमिट करवा के उस तो बाद थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगन के नाल प्लस टू टैंथ हो सारा कुछ, अगर तुम ग्रेजुएशन की है तो वह भी फायदा उठाओ, वो भी नाल जरा पेस्ट करो और उस बेसिस पे मैरिट बनेगी और उस अकॉर्डिंगली देखेंगे कि मैरिट जी 6000 लोग मैरिट के होंगे उन्होंने जी है भर्ती मिलेगी। ठीक है, यदि सैलरी तो मैं थोड़ा दसूँगी भी यदि सैलरी किन्नी होंगी है, क्योंकि मैं एक्चुअली मैंने खुद को नहीं क्लीयर भी है यदि सैलरी मे बी 15000 या 10000 और 15000 के बीच होंगी है। बाकी जेडे भी जिन्होंने जॉब की जरूरत है उन्होंने बहुत वधिया है, जो घर फ्री बैठे वो जरूर भरन पोस्ट। अगे ए ए ए पता नहीं कौन है, एम टी टी के लिए भी पी टेट पास होना चाहिए क्या? नो, पी टेट जरूरी नहीं है एन टी टी की पोस्ट वास्ते, सिंपल थोड़े को एन टी टी की होनी चाहिए, प्लस टू हो बस इन्ना ही मंगते एन टी टी वास्ते। परवीन धालीवाल जी ने किया, मैम अप्लाई ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन ऑफलाइन ही अप्लाई होएगा जी। आंगनवाड़ी वाले जो वर्करस है जिन्हें भी मिनी वर्करस है सिंपल वर्करस है उन्होंने जी भर्ती है वो ऑफलाइन ही होनी है, मतलब उन्होंने अप्लाई ऑफलाइन होना, कोई पेपर नहीं है ये, एक गल क्लीयर कर दूँ कोई एग्जाम नहीं है ये। दया दयाल जी का है, मैम हरियाणा वाले फिल कर सकते हैं कि आंगनवाड़ी की? हाँ, उत्थे कोई स्टेट मैनशन नहीं है, स्पैशली कोई स्टेट मैनशन नहीं की हुई कि हाँ पंजाब के या कोटा वगैरह कुछ नहीं, तो तुम भी फिल कर सकते हो, कोई चक्कर वाली गल नहीं। अगे लाडप्रीत, लाडप्रीत भुल्लर जी ने 61 जर्नल एनी चांस? देखो जी जर्नल जर्नल दी तो मैं थोनू 62 तक 63 और 62 लैके चली सी, 61 प्लीज़ अपनी 98वें की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि मैं थोनू कहा सीगा कि 62 तक तो मैं थोनू शुरू तो ही कहती आ रही हूँ कि 62 तक आ सकती है। ठीक है मैम, बाकी कैटेगरी की गल भी करो, हरप्रीत कौर जी बाकी कैटेगरी की मैं डिटेल्ड वीडियोज़ बहुत सारिया बनाई हुई हैं जिद मैं अलग अलग एस सी एम एन बी एस सी आर एंड ओ ई डबल्यू एस बी सी सारे कोटे की गल की हुई है, तुम प्लीज़ थोड़े थले जाके जो है वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जगजीत सिंह ने कमेंट किया, मैडम बी एड का तो पता ही नहीं लग्या भी किधर गई, जिस हिसाब से कहते उस हिसाब से है नहीं बी एड, जेकर उमें होंगी तो जनरल की मैरिट 58 या 60 आँगी। देखो शौक तो मैं भी हाँ, लेकिन इस बारे आप कोई कमेंट नहीं करते हजे, इस बारे आपको कुछ गल क्लीयर भी नहीं तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते ये बारे। टिकटॉकर नाम की आई डी तो किसी ने मैसेज कमेंट किया, मैम 55 ई डबल्यू एस एनी चांस? देखो जी चांस तो यह है कि अगर 2364 पूरी होंगी ना तो जरूर सब दे चांस होने से, हूँ हजे तक तुम 98वें की तैयारी जी शुरू कर दो। दलजीत कुमार जी 62 जनरल एन चांस, हाँ जी बिल्कुल हो सकता थोड़ा जोड़ा चांस है वो बिल्कुल बन सकता 62 जनरल का। अगे आप सारे डाउट्स क्लीयर करते होर भी वो कमेंट कराया करो ताकि मैं जी है डेली थोड़े कमेंट मतलब प्रॉब्लम जी हो सारे जे लै सके। 2364 का की बनेगा? देखो तुम्हें पता ही 2364 की फिर अक्तूबर डेट पै चुकी है, मैनू लगता नहीं कि
एक्चुअली मैं की बिलीव करती हाँ कि 2364 स्टक डाउन वगू ही हुई पई है और सारे चाहते हैं कि 2364 क्लीयर मतलब पूरी होवे बहाल होवे विद बी एड विदाउट बी एड कोई लेना देना नहीं जिमें मर्जी होवे लेकिन बहाल होवे। एक एफीडेविट देना सी उतों स्टक डाउन तो आप सही करवानी सी 2364 की वो भी नहीं हो पाई अपने तो ठीक है तो यह बहुत ही दुख वाली गल है। 9994 का पोर्टल क्यों नहीं खुल रहा? देखो 9994 का पोर्टल डिपार्टमेंट ना अपनों कॉन्टैक्ट करना पेगा भी 9994 का पोर्टल ओपन करवाने वास्ते ठीक है आप थोड़ा प्रेसराइज़ करांगे उन्होंने कि साड़ी जिहड़ियां पोस्टां या फिर अपन धरना देना पेगा या किवें भी कुछ ना कुछ अपन करना ही पेगा जिदे नाल कि 9994 का पोर्टल ओपन हो सके। डी रिजर्व पोस्ट देखो डी रिजर्व पोस्ट वेटिंग लिस्ट तो बाद आएगी और वो जो डी रिजर्व होंगे 600-700 है जिदे नाल ही मैरिट डाउन जाएगी ठीक है। तो डी रिजर्व पोस्ट भी अगर वेटिंग वाले बुला लेंगे हूँ वेटिंग वाले स्टेशन अलॉट किए जाएंगे तो जोड़ा हैगा अपन देखने मिलेगा कि डिपार्टमेंट की स्पीड पर है सारा डिपार्टमेंट कदों काम कंप्लीट करता है कितना टाइम लगाता है सारा कुछ डिपार्टमेंट से ही बेस्ड है ठीक है। बाकी थोड़ा कोई भी डाउट है तो तुसी क्लीयर कर सकते हो। सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।